वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, सेकेंड रशिया अफ्रीका समिट 2023, यानी कि अफ्रीका और रशिया का जो है जो दूसरा समिट हुआ है उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि रूस और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं इनके बीच में क्या क्या जो है वो नई कमिटमेंट्स हुई हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, ये समिट इंपॉर्टेंट इसलिए रहा कि देखिए इस टाइम पर अगर हम रशिया को देखते हैं तो रशिया अल्टीमेटली पूरे के पूरे नेटो के ब्लॉक के खिलाफ या वेस्टर्न ब्लॉक के खिलाफ खड़ा है इस टाइम पर यूक्रेन वॉर की वजह से। तो ऐसे में रशिया को इत्तहादी चाहिए, यानी दोस्त चाहिए ना। जाहिर बात है उसे जब दोस्त होंगे, इत्तहाद होंगे उसके, तो तभी एक हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर बनेगी। और दूसरा वो जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, जो पाबंदियां लगी हुई हैं, ऐसे में उसे नई मार्केट की जरूरत है और एक आप कह लें मॉरल जो एक सपोर्ट है उसकी जरूरत है इस टाइम पे पुतिन साहब को। तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसके क्या क्या की टेकअवेज हैं और डिस्कस करते हैं इसको। अब सबसे पहले तो अगर हम देखें कि इवेंट क्या है, तो इवेंट है जी रशिया अफ्रीका समिट, कि रशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं इनका जो समिट हुआ, सरबराहान का इजलास हुआ, ये है इवेंट। इवेंट की डेट देखते हैं तो ये है थर्सडे और फ्राइडे 27th और 28th जुलाई 2023, यानी कि 27 और 28 जुलाई जो है 2023 ये इवेंट होता है, ठीक है। और प्लेस अगर हम बात करते हैं तो रशिया के अंदर होता है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, यानी उनका सिटी है और ये यूरोप का जो है चौथा बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। रशिया के अंदर है लेकिन यूरोप का चौथा बड़ा शहर है। अब इसने होना कहाँ पे था, एक्चुअली में इसने होना था अदीस अबाबा के अंदर, जो कि कैपिटल हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का, और अक्टूबर 2022 के अंदर होना था। लेकिन क्योंकि आपने देखा वॉर लगी हुई है रशिया अफ्रीका की और हालात उस तरह से नहीं है, तो फिर ये पोस्टपोन्ड हो गया और अब ये जो है हो रहा है और अब ये हुआ है। अब इसमें ओवरऑल अगर हम देखते हैं अटेंड कितने लोगों ने किया, तो इसको 49 डेलीगेट्स ने अटेंड किया। 54 ममालिक हैं इस टाइम पे अफ्रीका के अंदर, आपने ये बात सबसे पहले समझनी है, यानी कि 54 कंट्रीज हैं सॉवरन कंट्रीज अफ्रीका के अंदर, जिसमें से 49 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया। लेकिन ये कहा जा रहा है वेस्ट की तरफ से कि भाई प्रीवियसली जो है वो 43 हेड ऑफ स्टेट्स ने इसे हेड किया था जब ये फर्स्ट समिट हुआ था 2019 के अंदर, ठीक है। यानी पहले समिट के अंदर 43 लोग थे, लेकिन तब रशिया और यूक्रेन की वॉर नहीं थी। अब ये जंग हो रही है और पूरे का पूरा वेस्ट जो है वो रशिया के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे उनकी बड़ी हिम्मत होगी, तो 17 हेड्स ऑफ स्टेट इस बार जो है वो आए हैं, यानी इसका मतलब बहुत ज्यादा जो है वो आधे से भी कम आए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी डेलीगेट्स भेजे हैं, मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं वो भेजे हैं कि किसी न किसी तरह से अपनी रिप्रेजेंटेशन रहे और किसी न किसी तरह से ये जो डिप्लोमेसी है ये चलती रहे। ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली ना जाएं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अमेरिका या जो वेस्ट का ब्लॉक है उनके साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, या जो उनके साथ माजी में या हिस्ट्री में जो उनके साथ होता रहा। तो इसलिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिसिपेशन हो भी, लेकिन हमें एक बीच कर यानी रास्ता मिल जाए कि अमेरिका भी खफा ना हो या वेस्ट का ब्लॉक भी खफा ना हो और यहां पे भी हम चले जाएं। तो इसीलिए फर्स्ट समिट के अंदर 43 कंट्रीज शामिल थे, अब 17 कंट्री के हेड ऑफ स्टेट शामिल हैं, लेकिन ओवरऑल 49 कंट्रीज आप ये कह सकते हैं कि यहां शामिल हुए हैं। देखिए 27 और 28 जुलाई का इवेंट है और इसका जो मोटो है वो क्या है जी, फॉर पीस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। कि एक्चुअली में अफ्रीका को क्या चाहिए, पीस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए, दुनिया को यही चाहिए अल्टीमेटली। तो सबसे गरीब मालिक अफ्रीका के अंदर हैं। और ये कहाँ पे हुआ जी, एक्सपो फोरम के अंदर अफ्रीका में, सॉरी रशिया के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर हुआ और व्लादिमीर पुतिन साहब और अफ्रीकन लीडर्स के बीच में हुआ। अब यहाँ पे इस मैप के अंदर आप देखिए तो यहाँ पे जो डार्क जो कलर किया हुआ है ग्रीन कलर, ये वो है 17 कंट्रीज जिनके हेड ऑफ द स्टेट जो है इन्होंने अटेंड किया इसको। ये जो आपको यहाँ पे साइड पे जो कंट्रीज देखने को मिल रहे हैं इनके हेड ऑफ द स्टेट्स ने किया, ये वो हैं जो कंट्रीज थोड़ा सा पावरफुल हैं आप ये कह सकते हैं, यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इनकी पावर थोड़ी ज़्यादा है, ये दुनिया को रेजिस्ट कर सकते हैं आप दूसरे अल्फाज में ये समझें। और दूसरे जो है जो लाइट कलर के अंदर है, लाइट ग्रीन कलर के अंदर, ये वो कंट्रीज हैं जिनके जो मिनिस्टर्स हैं या वगैरह हैं उन्होंने इस समिट को अटेंड किया, क्योंकि ये एक तो वेस्ट का थोड़ा सा ज्यादा झुके हुए हैं और दूसरा ये इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते वेस्ट का या उसको खफा नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल ग्लोबल साउथ है आप ये कह सकते हैं, ये जो नीचे है यानी नॉर्थ, नॉर्थ में सारे तरक्की याफ्ता मुल्क आईआर के अंदर हम ये कहते हैं, और जो साउथ है साउथ के अंदर सारे के सारे जो है वो मेजॉरिटी में डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और अफ्रीका के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सबसे ज्यादा हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे उनका प्रेशर बर्दाश्त करना इतना आसान उनके लिए नहीं है। तो 17 हेड ऑफ द स्टेट्स आए हैं, तो ये भी पुतिन की जो है काफ़ी ज़्यादा कामयाबी है, गो कि वेस्टर्न मीडिया इसे दूसरी तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि भाई ये उसकी बहुत बड़ी नाकामी है। आगे बात करते हैं,
अब सबसे पहले जी इसके अंदर क्या क्या की टेक अवेज है अगर देखते हैं तो इसमें बात की गई प्रमोटिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कॉन्ट्रेंग न्यू कॉलोनिज्म के। अब जो न्यू कॉलोनिज्म है, कॉलोनिज्म क्या था हिस्ट्री के अंदर के जो अफ्रीका के अंदर या दुनिया के गरीब मालिक के अंदर जो कॉलोनीज बनाई पावरफुल मालिक ने, जैसे कि आप बात कर लें यूके की स्पेसिफिकली, ठीक है, और साथ में बात कर लें फ्रांस की, जिन्होंने यहां पे आके सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनाई और फ्रांस ने सबसे ज्यादा अफ्रीका के अंदर कॉलोनीज बनाई। तो अब दोबारा से न्यू कॉलोनिज्म के थ्रू या कैपिटलिज्म के थ्रू कंपनीज के थ्रू इनको जो है दोबारा से जो पूरे का पूरा दुनिया को कैप्चर किया जा रहा है या गरीब मालिक को किया जा रहा है कैप्चर, तो इसलिए जो है उसको न्यू कॉलोनिज्म का नाम दिया जा रहा है। इस टाइम पे अफ्रीका को ये चैलेंज सबसे ज्यादा है, आपको ये सबसे पहले समझना है न्यू कॉलोनिज्म का कैसे चैलेंज है कि अफ्रीका जो है इस टाइम पे एक बड़ी मंडी है, याद रखिएगा, और तीन बड़े बड़े जो है या जितनी भी बड़ी पावर्स आप कह लें मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर, वो सारी ये चाहती हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज जो है ये एक नई मार्केट है, इसको डिस्कवर किया जाए और यहाँ पे जो है अपनी प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाए और यहाँ पे इन वाले के ऊपर कब्जा किया जाए। अब देखिए चाइना जो है वो बहुत सीरियस है, चाइना यहाँ पे बड़े पैमाने के ऊपर डेवलपमेंट भी कर रहा है और चाइना समझता है कि BRI के थ्रू इन वाले को कनेक्ट किया जाए और ये नई मंडी चाइना के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है, यानी कि स्पेस को नहीं छोड़ना, वरना क्या होगा कि इस साइड से जो है वो हम कह सकते हैं US अमेरिका यहाँ पहुंचाएगा या यूरोपियन कंट्रीज जो है यूके या फ्रांस वगैरह यहां पहुंचाएंगे, तो उससे बेहतर है चाइना यहां पहुंचना चाह रहा है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो इंडिया के हालात भी काफी अच्छे हैं अफ्रीकन कंट्रीज के साथ और वो भी कोशिश कर रहा है कि भाई वो जैसे नॉन अलाइन रहे हैं कोल्ड वॉर के अंदर, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा से जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा बने और यहां अपनी जो है चीजें सेल करें या नई मार्केट को कैप्चर करें। इसी तरह से रशिया की ये कोशिश है 2019 के बाद से जब फर्स्ट समिट हुआ कि यार उसको जो है अफ्रीका को कैप्चर करना है और दोबारा से जैसे कोल्ड वॉर में जो है उसने इनका साथ दिया था वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज को आगे लेके जाए। तो नई मंडी है अल्टीमेटली, हर जो पावरफुल कंट्री वो चाहता है कि वो इसको ग्रैब करे। अब अफ्रीकन कंट्रीज किसकी तरफ जाएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हिस्ट्री हम देखते हैं तो अल्टीमेटली हिस्ट्री हम देखते हैं स्लेव की, आप देख लें स्लेव ट्रेड जो हिस्ट्री रही है 1 करोड़ के करीब जो है वो स्लेव्स लेके गए हैं, तो अल्टीमेटली एक नफरत है वेस्ट के खिलाफ या यूके के खिलाफ या यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ, उस तरह से नहीं है। और दूसरा ग्लोबल साउथ में वही कंट्रीज हैं जो इनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, तो इसलिए वो उस तरह से नहीं देखते उसको, तो इसलिए कहीं ना कहीं स्पेस है चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी और अफ्रीका के लिए भी, यहाँ पे सॉरी रशिया के लिए भी स्पेस मौजूद है, ठीक है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की गई है जिसका मतलब ये है कि भाई आप हर एक के साथ ताल्लुकात बनाएं, ये नहीं है कि आप ये कहें कि हम ब्लॉक का हिस्सा बन गए, हम यूएस ब्लॉक का हिस्सा हैं तो अब हम रशिया की तरफ नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो कोल्ड वॉर का था, या अब हम जो है चाइना की तरफ चले गए हैं तो अब हम किसी और की तरफ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। आप यूएस से ताल्लुकात भी रखें बैलेंस करके, रशिया से भी रखें, चाइना से भी रखें, इंडिया अगर आता है तो इंडिया से भी रखें, ठीक है, ताल्लुकात रखें क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो जो प्यूटन साहब हैं उन्होंने अफ्रीकन लीडर्स जो हैं उनको इस बात के ऊपर एग्री किया कि भाई हमने क्या प्रमोट करना है, हमने जस्ट और बैलेंस जो है और स्टेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसको प्रमोट करना है। यानी वो जो माजी के अंदर है, गो कि ये इल्जाम इन्हीं के ऊपर लगता है, ये अनफॉर्चुनेटली प्यूटन साहब के ऊपर ही इल्जाम लगता है कि भाई कोल्ड वॉर में भी उन्होंने जो है वो सख्ती के साथ या जबरदस्ती लोगों को अपने साथ शामिल किया, कंट्रीज को सॉरी अपने साथ जो है वो मालिक को शामिल किया, तो इसलिए अब भी ये इसी तरह से कर रहे हैं। और यही प्यूटन साहब के बारे में कहा जाता है कि भाई वो थोड़ा सा मेंटली जो है डिस्टर्ब है और सबसे ज्यादा जो है वॉर दुनिया में वो उन्हीं की वजह से होती है और वो अभी भी जैसे वॉर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर क्योंकि सॉफ्ट पावर है, मीडिया उनके कंट्रोल में है, चीजें उनके कंट्रोल में, वेस्ट के कंट्रोल में, इसलिए जिस तरह वो पोर्ट्रे करते हैं वैसे ही प्यूटन साहब को दिखाया जाता है, ये देखा जा रहा है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि भाई हम जस्ट और बैलेंस सिस्टम लेके आएंगे, ऐसा नहीं है कि जिसको जो है यूएस या चाइना, चाइना को कि अब रशिया के ताल्लुकात तो उसके साथ अच्छे हैं लेकिन एक्चुअल में यूएस या नेटो का जो ब्लॉक है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पर रशिया के लिए, तो हम इनकी मोनोपोली जो है कायम नहीं होने देंगे, ठीक है, एक बात ये कही जा रही है। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि भाई जॉइंट डिटरमिनेशन किया गया इसके अंदर कि काउंटर किया जाएगा न्यू कॉलोनिज्म को, कि कहीं पर दोबारा से जो है किसी को भी कॉलोनीज यहां बनाने नहीं दी जाएंगी, ना ट्रेड की शक्ल में ना किसी और शक्ल में, और इललिजिटिमेट सेंक्शन जो है लगाई जा रही हैं। अब ये यहां पे जो है ना हम ये कहते हैं कि भाई जस्ट और बैलेंस का मतलब यही है कि जो अमेरिका है या जो नेटो है वो ये कहता है कि भाई आपने वॉर कर दी, आपके ऊपर पाबंदियां लग गई, तो ये कहना चाह रहा है कि भाई वो कौन होते हैं पाबंदियां लगाने वाले, ठीक है, जबकि हर कोई मुल्क आजाद है और अपनी वो एक्टिविटीज को नहीं देखते जबकि हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, तो अंडरमाइंड ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज को जो कर रही है जो चीजें, यानी कि भाई आप ये समझते हैं कि ये ठीक है ये गलत है, क्योंकि आप क्या कैसे बता सकते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। यानी रशिया ये कहना चाह रहा है वेस्ट ब्लॉक को या मैसेज देना चाह रहा है एक्चुअली में कि जो आप कहेंगे वो ठीक होगा या जो आप कहेंगे गलत होगा ये कौन तय करेगा, ये मॉरल वैल्यूज कहां से आएंगी, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहा अगर इसको हम देखते हैं। तो इसके साथ फिर बात की गई जी ऑफरिंग डेट वेव ऑफ एंड ग्रेन टू द अफ्रीकन अलाइज,
अब लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपने देखा था कि जो ग्रेन डील है ब्लैक सी की, वो जो है वो डिस्टर्ब हो गई और अफ्रीका जो रशिया है उसमें से निकल गया है। इसलिए कहा जा रहा था कि उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो अफ्रीकन कंट्रीज को होगा, क्योंकि जब यूक्रेन जो है वो क्या करेगा, वो गल्ला सप्लाई नहीं करेगा अफ्रीकन नेशंस को, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मजीद महंगाई बढ़ेगी, कात बढ़ेगी। लेकिन एक्चुअली में रशिया, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे रशिया ने क्या किया, एक अपनी गेम खेली है कि उसने यहाँ से स्किप करके उसने क्या किया, खुद से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया इनकी तरफ कि भाई आप यूक्रेन से ना लें, क्योंकि यूक्रेन से लेने का मतलब नेटो से लेना है, नेटो के दोस्तों से लेना है, तो उससे बेहतर है हम आपको देंगे, ठीक है ना, आपको गल्ला ही चाहिए हम देंगे, उससे सस्ते रेट पे देंगे, हमारे पास मौजूद है। और रशिया के ऊपर वैसे भी सैंक्शंस हैं, वो ओपनली तो सेल कर नहीं सकता, तो इसलिए जो है अब ये रशिया ने यहाँ पे आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है इसका। तो एक तो रशियन प्यूटिन साहब ने क्या कहा कि आपका जो कर्ज है, जो हमने आपको दिया हुआ है, जो आपने वापस करना है, हम समझते हैं हालात मुश्किल हैं, तो हम क्या करेंगे इन मुश्किल हालात में आपका कर्ज माफ कर देंगे, ठीक है जी, वो वाइट ऑफ हो जाएगा आपका सारे का सारा कर्ज। और साथ में ये कहा कि जो 6 अफ्रीकन नेशंस हैं उनको हम जो है फ्री में ग्रेन्स भी देंगे, आप बाकी सबको भी देंगे, लेकिन जो 6 इंतहाई गरीब मालिक हैं उनको हम फ्री में देंगे। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे प्यूटिन साहब जो है फुल टाइम डिप्लोमेसी के अंदर मौजूद हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अफ्रीका को अपने कंट्रोल में किया जाए और इसको अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होने से या नेटो ब्लॉक में शामिल होने से रोका जाए। इसके साथ साथ रशिया ने ये इस बात की भी जो है वो उम्मीद की है कि भाई ये जो ग्लोबल फूड क्राइसिस हैं, ये जो ब्लैक सी की वजह से हुए हैं और आप ये समझ रहे हैं कि भाई आपको गल्ला नहीं मिलेगा, आपके लिए मुश्किल है, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, मैं मौजूद हूं और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इसका मतलब उन्हें यूक्रेन को साइडलाइन पे करके खुद अपना रास्ता रशिया ने यहां पे सीधा किया है, एक तो ये है। नेक्स्ट बात करते हैं जी रशिया ग्रोइंग अटेंशन टू अफ्रीका, कि रशिया जो है जैसे मैंने कहा कि सारे जो इस टाइम पे पावरफुल कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अफ्रीका जो है इसको अपने कंट्रोल में किया जाए, कि 54 कंट्रीज हैं, अल्टीमेटली बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, तो कोशिश की जा रही है किसी तरह किया जाए। तो प्यूटिन साहब ने भी पूरी कोशिश की है और पूरी अटेंशन दी है इसको कि अफ्रीका जो है उसको क्या किया जाए जी, उसको कंट्रोल किया जाए और वहां पर अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए, ठीक है, अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया जाए वहां पर। साथ में ये कहा जा रहा था वर्ल्ड एक्सपर्ट्स की तरफ से कि भाई ये जो समिट है ये टेस्ट है, टेस्ट किस चीज का है, कि जो मॉस्को सपोर्ट है अफ्रीका के अंदर क्या वो मौजूद रहेगी या वो आइसोलेशन के अंदर ही रहेगा। क्योंकि देखिए मैंने कहा जैसे पूरा नेटो एक साइड पे खड़ा है और कोई भी मुल्क जो है वो, जैसे पाकिस्तान भी आप उसकी एग्जांपल ले लें कि जब पाकिस्तान ने ताल्लुकात पिछले साल बनाने चाहे तो क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, रिजीम चेंज हम कहते हैं हो गया भाई कि हमने रशिया के साथ ताल्लुकात क्यों बनाए। तो अल्टीमेटली यही कहा जा रहा है कि भाई नेटो किसी भी मुल्क को ऐसे को नहीं छोड़ रहा जो कि अफ्रीका का रशिया का साथ दे रहा है, तो इसलिए उसको टफ टाइम दे रहा है। तो ऐसे में यह कहा जा रहा था कि शायद जो है वो प्यूटिन साहब को सपोर्ट ना मिले, लेकिन फिर भी अच्छी खासी सपोर्ट उन्हें मिली है, गो के काम जरूर हुई है लेकिन फिर भी मिली है। रशिया एम्बिशंस एंड इनिशिएटिव प्लान फॉर अफ्रीका, के भाई अब अफ्रीका के लिए प्लान क्या लेके आए, कि एक्चुअली में तो यहां पे तो वर्ल्ड है, आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी किस पे डिपेंड करती है, सारी की सारी वो डिपेंड करती है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, कि भाई नेशनल इंटरेस्ट क्या है, कि सबसे पहले कौमी मफाद को देखना, आपका पर्सनल जो है मफाद यहाँ पे नहीं होगा बल्कि नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इंटरेस्ट में अफ्रीकन लीडर्स को देखना था कि रशिया ने क्या देगा। तो रशिया ने क्या किया जी, रशिया ने क्या क्या कहा कि हम आपको क्या देंगे, उनका एक तो हम आपको जो है वो ग्रेन्स देंगे, यानी आपको जो आपका गल्ला की जो कमी है वो हम पूरी करेंगे, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, तो आपको यानी फूड के जो क्राइसिस हैं, फूड के क्राइसिस हम आपके दूर करेंगे। दूसरा ये कहा कि हम दोबारा से रिविजिट करेंगे और रिवाइव करेंगे स्वेत एरा जो है उसकी इन्वेस्टमेंट्स को, यानी जैसे स्वेत एरा के अंदर आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं तो हम यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, वैसे ही हम दोबारा से यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम प्लांट्स यहां पे बिल्ड करेंगे, फैक्ट्रीज बिल्ड करेंगे यहां पे और डिप्लोमेटिक मिशन जो है उसको बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली हम आपको बहुत कुछ देंगे जो वेस्ट आपको नहीं दे सकता, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखते हैं कि अफ्रीका जो है उसका रोल भी इंक्रीज हो रहा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रोल दुनिया के अंदर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बाकी सारी मंडियां जो है दुनिया की वो तो ग्रैब हो चुकी हैं, ब्लॉक्स का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अफ्रीका जो है अभी तक फिलहाल वो यही कहते हैं कि भाई हम जो है नॉन लाइन है, आप जो भी हमें जो ज्यादा ऑफर करेगा अल्टीमेटली हम उसी की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा होगा। तो प्यूटन ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि भाई रशिया जो है ये न्यू सेंटर ऑफ पावर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, किसका, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, इसलिए यहां पर जो है क्या किया जाए, अपने आप को ताकत को बढ़ाया जाए। तो ये एक पहले से स्टेप उठाने की कोशिश किया प्यूटिन साहब ने कि इस जो अफ्रीकन नेशंस हैं इनको अपने कंट्रोल में किया जाए और इनको फायदा दिया जाए। और इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया कि भाई जो नीड है वो किस चीज की है, वो है ग्लोबल अफेयर्स की रियलिटी को समझने की और एक बैलेंस जो है अप्रोच को लेके जाने की, ताकि जो है दोबारा से कोल्ड वॉर जैसे हालात पैदा ना हो।
अब इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि अफ्रीकन जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या बातें कही हैं, ये तो रशिया जो है वो कह रहा है, तो अल्टीमेटली अफ्रीकन लीडर्स जो है उन्होंने क्या कहा जी, कॉल फॉर पीस, एक तो उन्होंने पीस की बात की, अमन की बात की यूक्रेन के अंदर, दूसरा कहा कि जो उनकी जो डील है वो खराब हुई हुई है, ग्रेन डील उसको जो है बहाल किया जाए ताकि उसके लिए आसानी हो। तो जो रशियन लीडर्स हैं उन्होंने प्यूटिन को जो है, या आप कह लें प्यूटिन साहब के ऊपर एक प्रेशर डाला है कि आप क्या करें, आप पीस के लिए रास्ता छोड़ें, ये जो यूक्रेन की वॉर है इससे पीछे हट जाएं, ठीक है, और ताकि दुनिया के अंदर एक पीस पैदा हो। जाहिर बात है ये उनका स्टैंड है, जबकि प्यूटिन साहब ने अपना स्टैंड दिया कि भाई हालात तो सारे नेटो खराब कर रहे हैं। और साथ में रशियन जो अफ्रीकन लीडर्स हैं उन्होंने एक्सप्रेस क्या किया जी, कंसर्न शो किए हैं डिसरप्शन के ऊपर, और खास करके जो उनकी एनर्जी और ग्रेन की नीड है जो पूरी नहीं हो रही, जो रशिया की वजह से खराब हो रही है, तो कहा है कि भाई आप जो है वो पीस लेके आए, अमन लेके आए, ताकि जो हमारे जैसे गरीब मालिक हैं उनके लिए फायदा हो सके, या उनके लिए जो है वो मुश्किलात जो है वो कम हो सकें। तो रशिया ने फिर क्या किया जी, अफ्रीका की डेवलपमेंट जो है उसकी कमिटमेंट की है कि भाई हम एक तो आपको ग्रेन देंगे, जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक तो हम आपको ग्रेन देंगे, ठीक है, और ग्रेन कैसे देंगे हम आपको, हम आपको दोनों तरीकों से ग्रेन देंगे, हम आपको फ्री में भी जिसको चाहिए, एक तो छह माली जैसे कहा कि उनको फ्री में देंगे, दूसरा ये कहा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर भी देंगे, अगर आप अभी पेमेंट नहीं कर सकते तो ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आप साथ साथ, यानी कि पेमेंट करें और साथ साथ पेमेंट करके तो आप हमें पे कर दें, लेकिन हम आपको पे करेंगे, इसलिए आपकी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान ना हो कि यूक्रेन जो है वो हमारी ग्रेन डील खराब होगी तो यूक्रेन अब आपको गल्ला नहीं देगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ साथ रशिया ने जो है वो अफ्रीकन लीडर्स को इस बात के ऊपर एग्री किया कि हम इंप्रूव करेंगे अपनी कोऑपरेशन को, एड को, आपको आपकी हेल्प करेंगे एनर्जी सेक्टर के अंदर, ट्रेड सेक्टर के अंदर, ठीक है, और जो नेशनल करेंसीज हैं उनके उनके ऊपर भी हम जो है वो आगे लेके चलेंगे कि कैसे जो है आप जैसे यूएस डॉलर के अंदर अगर पे किया जा रहा है तो इसको कैसे जो है वो रिवर्स किया जा सकता है, किसी और करेंसी को सामने लाया जा सकता है, ताकि जो है कमर्शियल ट्रांजेक्शन उसके अंदर हो सके और ये जो इतना ज्यादा कर्जा बढ़ रहा है इसको किसी तरह से कम किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने देखे डीडॉलराइजेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि कैसे जो है वो डॉलर की इकॉनमी नीचे जा रही है, क्योंकि जितने भी गरीब कंट्रीज हैं अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पाकिस्तान समेत आप देख लें, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और फूड की सिक्योरिटी जो है वो इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, डॉलर की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो फिर ऐसे में गरीब मालिक के लिए या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए चैलेंज है कि वो यूएस डॉलर के अंदर पे नहीं कर सकते। तो अब जैसे चाइना जो है युआन के अंदर जो है पेमेंट ले रहा है बहुत से मालिक से, अफ्रीकन कंट्रीज से भी वो लेना स्टार्ट हुआ है, इसी तरह से रशिया भी जो है उन्हें ऑफर कर रहा है कि भाई आप डॉलर को परे रखें, आप हम अपनी म्यूचुअल करेंसी के अंदर जो है ट्रेड करेंगे तो आपका जो बर्डन है वो कम होगा, क्योंकि अफ्रीकन नेशंस का इशू सबसे बड़ा ये है पाकिस्तान की तरह कि वो भी कर्ज ले के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और वेस्ट का कर्ज उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस हैं। तो एक बहुत अच्छी ऑफर है प्यूटिन साहब की उनके लिए। अब इसके ऊपर अगर हम देखते हैं कि जो अफ्रीकन लीडर्स हैं उन्होंने क्या फीडबैक जनरेट किया, तो अल्टीमेटली उन्होंने एक पॉजिटिव जो है एक अच्छा फीडबैक इसके ऊपर जनरेट किया है कि भाई अगर आप हमें इतना कुछ ऑफर कर रहे हैं, हमारे लिए आसानियां कर रहे हैं, तो ठीक है ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो जो माली के लीडर हैं या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ग्रेटिट्यूड शो किया है इसके लिए और कहा है कि भाई आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बावजूद इसके कि आपके मुल्क में जो है बगावत भी हुई है लेकिन फिर भी आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह से अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके साथ हैं और ये इसी तरह से जो म्यूचुअल कॉपरेशन है वो चलती रहेगी। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो अफ्रीकन लीडर्स हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रशिया का इसलिए भी थैंक्स किया कि भाई आपने हमें जो फॉरेन हेजेमनी है उससे उसकी बचाया है और हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं या सिविल राइट्स हैं उनका आपने ख्याल किया है। यानी जैसे अब नेटो के कंट्रीज हैं तो अल्टीमेटली अब जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री के अंदर उन्होंने अफ्रीका को अपना गुलाम बनाए रखा, तो अब अफ्रीका गुलाम बनाए रखा तो नफरत तो वहीं से चली आ रही है, पूरी का पूरा जो नफरत का एक सिलसिला है वो वैसे ही चला आ रहा है कि भाई अब जो है आपने नेटो कंट्रीज को या उन्हीं के इन्फ्लुएंस को मानना है या खास करके जैसे फ्रांस या यूके है उसके इन्फ्लुएंस को यहां मानना है। तो इसलिए ये थैंक्स कर रहे हैं कि भाई हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन मौजूद है कि अगर हम इनकी नहीं भी मानेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात नहीं होंगी, कि अगर पहले तो हम इनकी ना मानते तो अल्टीमेटली हमारे लिए मुश्किलात होती डेवलपमेंट के अंदर, कर्जों के अंदर, बाकी चीजों के अंदर, लेकिन जब आप हमें ये चीजें देंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होगी कि हम एक ओपन जो है फॉरेन पॉलिसी बनाएं और उस फॉरेन पॉलिसी के तहत हम दुनिया के साथ ताल्लुकात रखें। इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर बात करते हैं वेस्टर्न सैंक्शंस के रशिया के ऊपर, तो देखिए इस टाइम पर रशिया खुद भी जो है वो मुश्किल हालात में है और रशिया के ऊपर आपको पता है कि भाई बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं और जो एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो भी ज्यादा बढ़ रही हैं वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से, और ऑयल और गैस जो है उसके एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज जो है इससे सबसे ज्यादा मुतासर हो गए, क्योंकि सबसे गरीब कंट्रीज अफ्रीका के अंदर हैं तो अल्टीमेटली बड़े ममालिक अगर मुतासर हो रहे हैं तो ये भी होंगे, तो इसलिए ऐसे में जो है वो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, फूड की इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी। और अब ये चीजें कहां जाएंगी फिर, जैसे मैंने लास्ट में डिस्कस किया कि ये सारी चीजें क्या करेंगी, डॉलर के प्राइसेस को बढ़ाएंगी और मजीद जो है उनके जो क्रेडिट रेटिंग है डाउनग्रेड करेंगी उनको। अल्टीमेटली जब वो पैसे पे नहीं कर सकेंगे, डिफॉल्ट करेंगे, तो क्या होगा, तो
उनकी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, जो बाहर से उन्हें कर्ज मिल रहे हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, तो वो मिलना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, तो ऐसे में उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। यानी कि ठीक है, तो उनकी जो बॉरोइंग कॉस्ट है ऑलरेडी अफ्रीका कंट्रीज की वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और मजीद बढ़ेगी इन क्राइसिस की वजह से। अगर एनर्जी जो है उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है या इसी तरह से फूड की कॉस्ट बढ़ जाती है अफ्रीका के ममालिक के लिए, तो उनके लिए चैलेंज है। तो ऐसे में जो है उन्होंने फिर इस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया है कि भाई अब आप जो है अगर ये चीजें मैनेज नहीं हो पा रही एनर्जी की या फूड की हमसे, तो आप मेहरबानी करें और हमारी हेल्प करें। इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रेजोल्यूशंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट अफ्रीकन लीडर्स की पीस के हवाले से, उसको भी जो है वो अप्रिशिएट किया गया है। साथ में उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह से हम वेस्ट के ब्लॉक को भी मुतमईन कर सके कि भाई हमने पुतिन साहब को कहा कि आप अमन लेके आए और यूक्रेन की वॉर को एंड करें। और एट दी एंड अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं द फ्यूचर ऑफ रशिया अफ्रीका रिलेशंस क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है, कि ये समिट कितना कामयाब रहा कितना नाकाम रहा। देखिए अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि भाई पिछली बार जो है अगर 43 हेड ऑफ स्टेट्स ने इसको अटेंड किया, 49 ने, तो इस बार कितने किए, इस बार 17 ने किया। इसका मतलब अल्टीमेटली इस बार जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो कम हुए हैं, क्योंकि प्रेशर लेना बहुत आसान नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन उनके डेलीगेशंस मौजूद थे, इसका मतलब एक दरमियाना रास्ता जो है मौजूद है। और ये कहना कि भाई रशिया जो वॉर है उसकी वजह से रशिया की सपोर्ट खत्म हो गई अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से या जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी तरफ से, ऐसा नहीं है, बल्कि सपोर्ट मौजूद है, कम हुई है लेकिन मौजूद जरूर है। इसका मतलब यह है कि भाई कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता मौजूद है और रशिया जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, और ये कंट्रीज भी बीच का रास्ता ही जो है वो देख रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है वेस्ट की तरफ से कि जो लो हेड काउंट अफ्रीका के अंदर, अफ्रीकन समिट के अंदर, अफ्रीका रशिया समिट के अंदर, ये क्या है, ये अब एक मुश्किल हालात बनाएगा और इन फ्यूचर जो है वो रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये वेस्ट जो है ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई ये को बहुत अच्छा नहीं रहा, तो इन फ्यूचर ये बुरा ही होगा। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाई पुतिन साहब जो है वो कुछ और बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पे फिर इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल है उन टॉक्स को यहाँ पे आगे लेके गए हैं। यानी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई वो तो ये चाहते हैं कि भाई वॉर ही हो या एक इस तरह से जो है वो ब्लॉक बने कि ये इनका हिस्सा बन जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन एट दी एंड अगर हम देखते हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए रशिया की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेंटेन स्टेटस किया हुआ है इस टाइम पे रीजनल और ग्लोबली जो अफ्रीका ने मेंटेन किया हुआ है, शायद वो इसी तरह से बरकरार रहे। यानी कि वो वेस्ट के साथ भी रहेंगे और अफ्रीका के साथ भी और रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात इसी तरह से रखेंगे। तो अब ये कह सकते हैं गो के एक और चैलेंज भी है कि जैसे कहा गया था लास्ट समिट के अंदर तो जो ट्रेड वॉल्यूम है डबल होगा, तो वो डबल नहीं हो सका। ठीक है, ना ही इन्वेस्टमेंट्स रशिया की बहुत ज्यादा जो है वो अफ्रीका के अंदर आई हैं। तो अब अगर इसी तरह से दोबारा से ये ट्रेड वॉल्यूम डबल नहीं होता और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ठीक है अफ्रीका के अंदर नहीं आती रशिया की, तो फिर अल्टीमेटली अफ्रीकन लीडर्स ये सोचेंगे कि हमें शायद जो रशिया है उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो इसलिए अब रशिया के लिए चैलेंज है कि किस तरह से जो उसने कमिटमेंट्स किए हैं उनको पूरा करता है, ताकि जो अफ्रीकन लीडर्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम इस ब्लॉक से कोई हिस्सा नहीं या रशिया के साथ हमें कोई फायदा नहीं है, तो वो अल्टीमेटली वापस आ जाए। ठीक है, तो इसलिए अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक्शंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो रशिया के हैं, कि रशिया किस तरह से जो उसने कमिटमेंट्स की थी फर्स्ट जो है समिट के अंदर 2019 में और अब 2023 में जो उसने कमिटमेंट की है, क्या इनको पूरी करता है कि नहीं। तो अगले जो रिलेशंस हैं वो सारे डिपेंड करेंगे इन कमिटमेंट्स के ऊपर, और यही रशियन लीडर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको यहां क्लोज करते हैं। तो ये टेकअवेज थे अफ्रीका रशिया समिट के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।